Namaskar sir, myself Amit Chauhan, a science graduate student from AV College, Pathankot. I am very happy to be a part of Pariksha Pe Charcha. And my question from you is, what is the key formula for developing the attitude of accepting studies as a source of fun and interest, not stress? Thank you. ताकि हम पढ़ाई को फन और इंटरेस्ट की तरह लें, तनाव की तरह नहीं। मैंने एग्जाम के स्ट्रेस से ही संबंधित सवाल पूछा है सुरप्रीत डेगोल ने काठमांडू से, ये एक स्टूडेंट हैं। गुड मॉर्निंग सर, आई एम सुरप्रीत डेगोल, अ स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय काठमांडू एंड आई लिव इन काठमांडू। We start living with the term examination since our primary classes. This becomes part of our personality. Do you think exams are helpful for improving our personality, or do exams obstruct our all-round development? Thank you, sir. हम प्राथमिक कक्षाओं से ही examination शब्द term के साथ जीना शुरू करते हैं. ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है. माननीय, क्या आप सोचते हैं कि एग्जाम व्यक्तित्व को निखारती है या फिर एग्जाम हमारे व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में रुकावट है? माननीय, कृपया इन दोनों ही सवालों के बारे में हम सबको कुछ बताएं। देखिए, कसौटी बुरी नहीं होती है, एग्जाम बुरी नहीं होती है, हम उसके साथ किस प्रकार से उसकी तरफ देखते हैं, हम किस प्रकार से उसके साथ डील करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और मेरा तो सिद्धांत है कि कसौटी कसती है, कसौटी कोसने के लिए नहीं होती है। लोग कसौटी को ही कोसते हैं। एक्चुअली अगर हम अब मान लीजिए किसी को ओलंपिक खेलने के लिए जाना है, अगर वो तहसील में खेला नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में खेला नहीं है, स्टेट में खेला नहीं है, इंटर स्टेट नहीं खेला है, नेशनल नहीं खेला है, और वो ओलंपिक के सपने देखेगा तो कहां से होगा भाई? उसको हर पल कसौटी में कसना पड़ेगा। इसलिए हम एग्जाम को, कसौटी को एक अवसर माने, ये अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इसको अपॉर्चुनिटी मानेंगे तो आपको इसका आनंद आएगा। और जब चुनौती होती है तो एक ईश्वर ने एक हर व्यक्ति के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत दी होती है। अब देखिए, आप नॉर्मल आवाज में कभी बात करते हैं, लेकिन भीड़ में किसी को बुलाना है तो एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर, इतने जोर से बोलते हैं जैसे आर्मी का कोई अफसर की भी आवाज ना निकले, इतनी बड़ी आवाज निकलती है आपकी। भले एक पल के लिए निकलेगी, लेकिन ऊर्जा अंदर पड़ी हुई है। एक समय था, अपॉर्चुनिटी आई, आपकी ऊर्जा बाहर आई। आपके अंदर बहुत कुछ पड़ा होता है, आपने ऑब्जर्व करना चाहिए कि इस कसौटी के समय मेरी वो कौन सी क्षमता जो उभर करके आई है। कभी कभी तो आपने भी देखा होगा, ऐसी चीजें आपके मन में से आती होगी, ऐसे विचार आते होंगे, दोस्तों के साथ बातचीत में ऐसा वाक्य निकलता होगा जो कभी आपने भी सोचा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके भीतर परमात्मा ने बहुत सामर्थ्य रखा हुआ है, लेकिन उस सामर्थ्यों को परखने के लिए आपका अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो ये एग्जाम वो आपको अवसर देती है आपके अपने सामर्थ्य को परखने के लिए। दूसरा, हम एग्जाम के लिए जिंदगी न जिए, हम खुद के लिए जिंदगी जिए। जब हम खुद के लिए जिंदगी जीते हैं, हमें लगता है कि नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज एक्वायर करना शुरू करें तो आप देख लीजिए, मार्स अपने आप फॉलो करेंगे, आपका पीछा करते हुए करते आपके दरवाजे आप पे खड़े रहेंगे। लेकिन गलती हम करते हैं, हम मार्स के पीछे भागते हैं, जिंदगी पीछे छूट जाती है। हम जिंदगी से जुड़ते चले, नॉलेज एक्वायर करते चले, मार्स अपने आप पीछे आपके दौड़ करके आएंगे। मार्स खुद आपको गले लगाने के लिए आपके पीछे दौड़ेंगे। और इसलिए इसको देखने का तरीका, ये अगर आपका साफ सुथरा होगा तो मुझे विश्वास है कि एग्जाम कभी भी बोझ नहीं लगेगी। सचमुच मैं तो एग्जाम को एक उत्सव के रूप में, एक अवसर आया है, चलो वाह मजा आया, गया खेत देखता हूं क्या करता हूं, ये मूड चाहिए।